हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोबाइल की स्पीड कैसे इंक्रीज करें। बहुत परेशान हो गए हैं, आपने 2-3 बार मोबाइल रीसेट भी मार लिया, पर आपके जो मोबाइल है बहुत ही स्लो चलता है या चलते चलते बार बार हैंग हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंटरनेट गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद में आपको यहाँ क्लिक करना है सेटिंग के ऑप्शन पे, और आपको यहाँ पर देखना है एडिशनल सेटिंग। तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और देखना है कि आपके मोबाइल पर एडिशनल सेटिंग कहाँ पर दिया हुआ है। एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ देखना है कि आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है। बाय चांस मान लीजिए आपके मोबाइल पर डेवलपर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद में आपको आ जाना है जहाँ पर आपका मोबाइल का अबाउट फोन का ऑप्शन जो दिया होगा उस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर अबाउट फोन दिया हुआ है, तो मेरे मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन शो हो रहा है। बाई चांस अगर आपके मोबाइल पर डेवलपर ऑप्शन नहीं शो हो रहा होगा एडिशनल सेटिंग के बाद में, तो आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका MIUI वर्जन, इस पर आपको 6 से 7 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर 6 से 7 बार क्लिक करेंगे MIUI वर्जन पे, तो आपके एडिशनल सेटिंग पर डेवलपर ऑप्शन ऐड हो जाएगा और वहाँ पर आपको शो होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप एडिशनल सेटिंग पे आ जाइएगा। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद में यहाँ देखिए दिया हुआ है डेवलपर ऑप्शन, सबसे नीचे में देखिए डेवलपर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं। अगर आपको किसी सेटिंग्स के बारे में जानकारी नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो उसे बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका मोबाइल बंद हो जाए और आप उसे स्टार्ट ही ना कर पाओ। तो ऐसे बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं जिसके बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है तो बिल्कुल क्लिक ना करें। जो ऑप्शंस और जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ केवल उस पर ही ऑन कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। देखिए स्क्रॉल करने के बाद में आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको विंडो एनिमेशन स्केल। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है विंडो एनिमेशन स्केल पर। तो देखिए यहाँ पर विंडो एनिमेशन स्केल जो दिया हुआ है, एनिमेशन स्केल 1x लिखा हुआ है, तो इसको करना है आपको ऑफ। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, तो इसको भी आपको करना है ऑफ। ठीक है, और तीसरा है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, तो इसको भी आपको करना है ऑफ। ये तीनों को आपको ऑफ करना है। ये तीनों ऑफ करने के बाद आपको आ जाना है बैक, और इसके बाद में एक बार आप मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी मोबाइल की स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों सिंपल ही प्रोसेस है, लेकिन यह है कि डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद में आप किसी और ऑप्शन पे क्लिक मत कीजिए। केवल मैंने जो 3 ऑप्शन आपको ऑफ करने के बताए हैं कि उसे ही ऑफ कीजिए और मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए। देखिए आपके मोबाइल की स्पीड पहले से इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और बहुत ही सही प्रोसेस है, इसी तरीके से आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ सकती है। दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है फिलहाल में। अगर दूसरा कोई ऑप्शन आता है या ऐड होता है मोबाइल अपडेट होने के बाद में, तो मैं आपको उसकी जानकारी बिल्कुल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से बहुत सी बेहतरीन वीडियो आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग और एप्लीकेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी सारे लाता हूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।